बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ डीसी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया तथा धरना दिया। नेताओं ने डीसी माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को भिजवाया। मांझी ने कहा कि राज्यसभा में अलमत के बावजूद केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से राज्यसभा में किसान विरोधी बिल पारित करवाया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इस बिल से सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए बोकारो से अनिल कुमार की देखे एक रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को, जो भारत सरकार ने किसान बिल लाया है उसके विरोध में माननीय उपायुक्त माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन हम लोग दिए हैं और ये मांग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि इस बिल का अविलंब जो है केंद्र सरकार वापस ले, अन्यथा हम लोग पूरे प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग उतरने का काम करेंगे। क्योंकि ये किसान के विरोध में ऐसा बिल लाया है भारत सरकार ने जो आज तक नहीं हुआ। पैदा करेगा किसान और बिचौलिया उसका सामान बेचेगा, ये कतई नहीं करने देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्योंकि हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं और हम लोग हमेशा से जो है शोषित पीड़ित दलितों का बात को हम लोग आवाज़ बुलंद करते आए हैं, वो चाहे हम लोग सरकार में हो या विपक्ष में हो। इसलिए हम लोग माननीय उपायुक्त के माध्यम से आज ये ज्ञापन सौंपने आए थे। उनको हम लोग ने आग्रह किया है कि अविलंब जो हम लोग का प्रस्ताव है उसको राज्यपाल को भेजा जाए ताकि राष्ट्रपति के यहाँ वो बिल वो विरोध जाए और